तो मुझे बताइए, ये वक्त भी हमने देखना था, ये लम्हे भी हमारे ऊपर आने थे और ये घड़ियां भी हमने देखनी थी। बदनसीबी की कहानियां ये हैं, हम अपने आका और मौला की खत्म नबूवत पे भी सौदा करने जा रहे हैं, अपनी नापाक हुकूमतें बचाने के लिए हम इस पे भी सौदा करने जा रहे हैं। और अगर ये गर्दश करती हुई खबरें सच हैं तो मुझे बताओ फिर बाकी बचा क्या है, फिर बाकी रह क्या गया है। हमारा असासी और बुनियादी अकीदा है हुजूर के खत्म नबूवत का, और शायद हुक्मरान भूल जाते हैं इक्तदार की कुर्सी पे झूलते हुए, और वो उस माहौल के अंदर देखने के आदि होते हैं, लेकिन उन्हें ये याद नहीं है, उन्हें ये भूल गया है। ये उम्मत अमल में कमजोर हो सकती है, इश्क में कभी कमजोर नहीं हुई। इस उम्मत की तारीख बड़ी ताबनाक है, बड़ी रोशन है और बड़ी दिल आवेज है, तो ये शायद भूल जाते हैं। हम हुजूर के नाम पे अपना सब कुछ कटवा करके फिर भी समझते हैं हक तो ये था कि हक अदा ना हुआ। करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, ना बस एक जहां दो जहां फिदा, अल्लाह अकबर, दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। अभी तो करबला की कहानियां हमारे लबों पर है, इन हालात के अंदर हुकूमत अगर ये गलती करने जा रही है तो फिल फौर, इतने लोगों का मुतालबा, मैं आप सब लोगों की ताईद के साथ ये कहता हूं कि आप हाथ खड़े करके ये मुतालबा करें कि ये इकदाम अगर किया है तो वो फौरन वापस किया जाए, और अगर ये वापस नहीं करेंगे तो फिर हुकूमत जो है वो अल्लाह के इंतकाम के लिए तैयार हो जाए, और ये अवाम जो है वो अल्लाह की सपाही बन के मैदान में खड़ी होगी इंशाल्लाह। वो वक्त दूर नहीं है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। इकबाल कहता है हुजूर से वफा करो फिर कलम भी तुम्हारा है, फिर तख्ती भी तुम्हारी है, फिर तुम्हारी तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे, फिर जो तुम चाहोगे वो लिखा जाएगा, खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रिजा।